हाय गाइस, हमें एक नया डिटेक्टिव ढूंढ रहे हैं एक ब्रांड न्यू केस के लिए। अगर आप भी मेरी तरह कॉलेज डिटेक्टिव बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें राइट नाउ। नहीं, जाने दो मुझे, नहीं छोड़, जाने दो मुझे, माफ कर दो, नहीं 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 छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो। पानी तुषार भाई, पानी वार्डन सर को पानी पिलाओ। सर कोई ठीक हो जाएगा, ठीक है मुझे पानी, यहाँ पे पानी, पानी पियो, पानी पियो। तुषार, मैं पंडित जी से कह के स्विमिंग का दरवाज़ा बंद करा दूंगा। वो जगह तुम लोगों के लिए बहुत रिस्की है। सही बोल रहे सर, तुम जाओ यहाँ से, आराम करो तुम। ठीक है सर, तुम जाओ। तुम बोतनी जी, वो रिया ट्रू लव है हमारी, वो डे वन से लाइक करते हैं उसे, पर वो साला धीरज हर बार बीच में आ जाता है। आप उस धीरज का कुछ करिए ना, जैसे लक्ष्य का किया था। मैं धीरज की सारी डिटेल्स यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर एक्शन लेंगी। मैं आपको हर हफ्ते दारू और दूध चढ़ाऊँगा ना। डेली नहीं चला सकता ना, पापा ने स्टडी के लिए लोन लिया है। भूत होते हैं, होते हैं भूत। लक्ष्य, अंजलि, हम, साहिल, नंदिनी, अरे जो जो सीविंग में गया ना, सबके सब पागल होके आए हैं वापस। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। देखो वहां भूत है ये हम सबको पता है, तो मैं कह रहा था कि ये वाला केस ना ड्रॉप कर देते हैं। ओ, एक मिनट, केस क्लोज नहीं होगा बिना सॉल्व किए। अरे तो यार कुछ मिस्ट्री रह जाती है अनसॉल्वड, कल को ये बोले कि बरमुडा ट्रायंगल, चलो सॉल्व करेंगे इसको। स्टॉप बीइंग सो लेम मोहित, कैसा डिटेक्टिव है ये, बिना सॉल्व किए केस क्लोज करने की बात कर रहा है। नहीं, केस तो अभी शुरू हुआ है। सीविंग में मिला कल रात को, जरूर किसी के चादर का टुकड़ा। दिस इज आवर फर्स्ट रियल एविडेंस गाइस। सही है, हॉस्टल का एक एक रूम जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसकी चादर में छेद उसकी लगाते हैं रेड। लेट्स गो, है ना? डन। कल मोहित, चल आ, लेट्स गो। जा, रुके पंडित जी, ले लो। अरे इनका कहाँ से हो सकता है, वो चक्षक बोल तो रहे, वो चादर यूज भी नहीं करते। पता नहीं। अरे डड्डू भैया, इस कपड़े जैसा कोई कुछ आया आपके पास ढूंढने के लिए? अरे इतना ध्यान से क्या देख रहे हो, मोर का पंख पकड़ा हुआ है क्या हाथ में, जल्दी बताओ। चादर नहीं है भैया, सॉल है ज्ञान भैया की। ज्ञान कौन? भाग जा चुड़ैल, भाग जा चुड़ैल, परेशान मत करिए, परेशान मत करिए। फटनी नहीं चाहिए, अब बताइए फटी हुई सॉल फटेगी नहीं तो और क्या होगा। ये देखो, ये
डेथ मैच। रूम नंबर क्या बताया? 304। भाई मैं तो बस बहती गंगा में हाथ धो रहा था, वो सीविंग का भूत है, बाकी सबने तो देखा ही है, तो मैंने बस उसकी कहानियां फैला दी हैं। क्या है उससे ना मुझे सुबह पीने के लिए दूध और रात की दारू का इंतजाम हो जाता था, पर यार कुछ समय से ना वो दान पेटी से कोई सामान चुरा ले रहा है। तुम लोगों के अगर बस की है तो पता लगा दो यार, मेरे भी काम आसान हो जाएगा। सुन जितना पूछा उतना बता, तेरे साथ और कितने लोग हैं? भाई मैं तो भाई बहुत अकेला इंसान हूँ भाई, मेरे को नीट पीनी पड़ती है यार। ओ बस कर दे अपने ड्रामे अब। हमें पता है कि सीविंग में दो भूत है, तो अब बता दे तेरा पार्टनर कौन है। भूत? भाई मेरे बस का काम नहीं है ये भूत वाला, मेरी खुद फटती है यार भूतों से। मैं तो बस इस बुक का ऑथर हूँ। आई एम हैप्पी दैट यू गाइस हैव रेड इट। एक आर्टिस्ट को और चाहिए ही क्या होता है यार, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट और थोड़ा सा प्यार मिल जाता। छोड़ लिया क्या? अबे हमको देख के डर के भागा कर तो ये बता। डर के भागा? भाई वो एक्चुअली आई हैड ना आलियो ओलियो पास्ता, तो आई वाज जस्ट रनिंग टू डाइजेस्ट इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तुषार भाई तुषार सच सच बता भाई, माँ की कसम अपनी। तो तू ये कह रहा है कि तू सीविंग कभी नहीं गया? सीविंग भाई मैं क्यों जाऊंगा, कोई पागल ही होगा जो वहां जाएगा यार। कुछ जरूरत है? बाय बाय। Deep inside the depths of the gloom, at the edge of despair, alone in the room, sits a figure in the darkness in the veil of a shadow, rocking on the chair, weeping rivers of sorrow. मोहित प्लान है, महाराजा रवि रंजन राज रानी शिलाजी के लिए है। Into the mirror, tell me what do you see? I see nothing but the mirror is staring blankly at me. Look into the mirror, tell me what do you see? I see nothing but the mirror is staring blankly at me. Welcome one and all to this house of the night, where diabolic thieves and clans slowly drink their pigs and I. कौन है वो जिसने हमारे राज्य की तरफ आंख उठा के देखा है? हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे राजा रवि रंजन राज से इस अंदाज में बात करे? मेरे कान चला जा। अरे रानी शिलाजीत आप यहाँ? रानी शिलाजीत? अच्छा तो हमसे ऐसी नाराज होंगी कि अब हमसे झूठ बोलने लगेंगी? अरे हम कैसे भूल सकते हैं आपको, वही आवाज, वही नैन नक्श, वही मखमली गाल, वही होंठ। और ये काजल कितना लगाने लगी है? भाग जा यहाँ से। ना 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 ना, इस बार हम नहीं भागेंगे। हम कायर थे पिछली बार जो भाग गए, लेकिन इस बार हम अपने नाम का सिंदूर आपकी मांग में भर के इस प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देंगे। आइए रानी शिलाजीत। अरे रानी शिलाजीत कहाँ जा रही हैं आप? Good job, boys. भूतनी को इतनी तेज भागते हुए पहली बार देखा। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, सड़ेगी जेल में। हट जाइए मंत्री जी, जा नहीं पाई ना आप ज्यादा दूर हमसे। लीजिए इसी बात पे आपकी मांग में सिंदूर फटे। अरे मेरी बीवी है वो। बोली
रानी शिलाजीत मेरी बीवी है वो। ये क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा पानी मिलेगा? पिछले 8 महीने से छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले। ऊपर से भोली बोलती है अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं बेटी को लेकर वहाँ आ जाती हूँ। अब जितनी मेरी सैलरी है उतने में तो यहाँ पर कमरा भी नहीं मिलता, और आपको ये भी मालूम है कि मुझे कितना सड़ा हुआ कमरा दे रखा है इन लोगों ने। अब आप ही बताइए कहाँ रखता मैं इन सबको। हाँ, इसीलिए ये सारा सेविंग का प्लान करना पड़ा। तो क्या गलत बोला इन्होंने? अब तुम लोग जवान हो तो तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना एक दूसरे से मिलने का, अकेले में रोमांस करने का। अब दूसरा बच्चा भी करना था हमें। ओ, अपने हॉर्मोन्स के चक्कर में पूरे कैंपस के बच्चों का बेवकूफ बनाया है आप दोनों ने, और इस मासूम लड़के की इसका दिमाग खराब कर दिया आपने। कोई मासूम मासूम नहीं है, एक नंबर के दोस्त हैं। लाइट बंद होते ही मुझे गालियां देते हैं। इन सब के थोड़ी सी फाड़नी तो बनती ही थी ना। काम भी आपके वैसे ही है, इसलिए आपने हमारी हेल्प करी। हमारा ट्रस्ट जीता था कि ताकि सीविंग बंद हो सके और हमें केस ड्रॉप कर दे, पर शक तो हमें उस दिन से हो गया था जब आपके रूम में हमें दारू, दूध और मिठाई मिली। मिठाई गुड़िया के लिए थी क्योंकि आपका तो डायबिटीज है, पता लगा लिया था हमने। फिर मॉनिटर की आपको कैंटीन वाले से पता लगा कि बहुत ज्यादा खुराक बढ़ गई है आपकी, 4-4 गुलाब जामुन पेल रहे हो। और फिर जब हम यहाँ पहली बार आए, इतनी सड़ी सी जगह का वॉशरूम एकदम वर्किंग और क्लीन था। इस भूतिया आवाज का राज हमें तब पता चला जब मोहित को बाथरूम से स्पीकर की तार मिली। और अब ये सारी बातें हम बताएंगे मैनेजमेंट को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपकी कसम, मैं बोली की कसम खाकर कहता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए। अब तो नौकरी भी जाएगी और पुलिस सिटवाड़े पर टंडे अलग बजाएंगे, मजा आएगा। बेटा मैं आपके आगे, बेटा तुम मुझे बचा लीजिए, तुम लोग हमारी नहीं तो कम से कम छोटी सी बच्ची का ही सोच लो। मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपके आगे पैर, नाटक मत करिए, मेरा परिवार लुट जाएगा। आई थिंक वी शुड गिव देम अनदर चांस। सर आप अपनी वाइफ और बेटी को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाए। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, अभी निकल जाएंगे। हाँ, और सीविंग का भूत भाग गया है, ये बात हम कैंपस में फैलाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। पर ऐसे ही नहीं मिल रही है माफी, इसके बदले में आप हर जगह का एक्सेस दोगे हमें, वरना ये रास्ता कभी भी खुल सकता है। दे देंगे, दे देंगे। भूत सीविंग में भूत है। अरे बोली आंटी है वो। पॉलिस डिटेक्टिव्स आ रहे सिर्फ Amazon Mini TV पे। Go to the Amazon shopping app and click on Mini TV's icon. And watch the show right now for free.